गुड मॉर्निंग। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करते हो तो आपको चाहिए सबसे बड़ा कन्विंस पावर। अगर आपके पास कन्विंस पावर नहीं है तो आप किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते, और कन्विंस किए बिना बड़ी टीम बनती नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में कन्विंस पावर अपने बढ़ाना चाहते हो तो आज मैं आप सबके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ। ये ट्रिक है अनुराग अग्रवाल सर की, जिन्हों का वीडियो हम देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम अपने कन्विंस पावर को बढ़ा सकते हैं। तो मैं हूँ संदीप पटेल और आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज अनुराग अग्रवाल सर के वीडियो देखिए और हमारे चैनल के साथ भी जुड़िए और उनकी चैनल को भी विजिट करिए। वो बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बना के लाते हैं। तो आइए देखते हैं अनुराग अग्रवाल सर कन्विंस पावर बढ़ाने के लिए कौन सी हमें ट्रिक देना चाहते हैं। दोस्तों, इस ट्रिक से हम इतना अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं कि सामने वाले को लगेगा कि हाँ, ये तो मुझे करना ही चाहिए, ये तो मेरा है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं उनका वीडियो। हाय फोक्स, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और मैं पिछले करीब 18 साल से आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि कैसे आपको स्टेज पे आके लोगों को एड्रेस करना है। पब्लिक स्पीकिंग कोर्स है और साथ में बिजनेस कोर्स। इन कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो पर लेकिन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे पूरे दिल्ली और NCR में 10 सेंटर्स हैं और आज मैं आपके पास लेके आया हूँ एक और तरीका जिससे यू विल बी एबल टू कन्विंस पीपल टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप बहुत जल्दी परसुएसिव बनेंगे इसे एक और तरीके से। अगर आपको ये तरीके पसंद आ रहे तो नीचे की तरफ कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखेगा आपको कौन सा तरीका क्या क्या पसंद आ रहा है। लेकिन हाँ, मैं आपको फिर दोबारा से आगाह करा दूँ, हर एक तरीका हर जगह पे नहीं चलता, राइट? तो अब ये तरीके का नाम है, लेट द पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज। दूसरे इंसान को लगना चाहिए कि आइडिया मेरा है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। बहुत साल पहले की बात है, अब से करीब 17-18 साल पहले जब मैंने इस प्रोफेशन को स्टार्ट किया तो मेरे पास मेरे बैच में कनॉट प्लेस में जब हमारा बैच हुआ करता था तो एक लंबा सा सर था, वो मेरे पास आया और उसका नाम था सुरेंद्र सिंह। और सुरेंद्र सिंह जो था वो शायद मेरे ख्याल से OBC बैंक के अंदर वो मैनेजर था। तो उसने मुझे कहा, जब मेरी क्लास खत्म हुई और क्लास खत्म होने के बाद वो मेरे पास आया और कहता, अनुराग आप बहुत बात करते हैं हाउ टू कन्विंस पीपल टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि कैसे दूसरे को राजी करवाएं, कैसे दूसरे इंसान को कन्विंस कराएं, मेरी एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा बताओ जी आपकी क्या प्रॉब्लम है। कहते देखो जी, मैं हूँ बैंक का मैनेजर और अब से एक साल पहले, अच्छा मेरा जो बैंक है वो नेशनलाइज बैंक है और हमारे बैंक के अंदर क्या होता है कि जो होता है वो एक एक विंडो पे जा जाके काम कराना होता है। अगर हम लोग को पैसा विड्रॉ करना है किसी को तो वो उसको एक स्पेशलाइज विंडो है, वहाँ पर जाके काम होगा। और अगर उसको काम उसको कोई चेकबुक चाहिए तो दूसरे विंडो पे जाना है। तो हर एक काम के लिए अलग अलग विंडो है जिसके कारण से लोग बहुत परेशान होते हैं। लेकिन जब जितने भी प्राइवेटाइज बैंक हैं, इन प्राइवेटाइज बैंकों में क्या होता है कि कोई भी कस्टमर किसी भी एक टेबल पर जाके वो बैठता है, उसके एक ही टेबल पर सारे के सारे काम हो जाते हैं। जैसे कि ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। तो अनुराग, मैंने एक साल पहले अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कहा कि अगर हमारे बैंक के अंदर, उसने मुझे बताया अब से करीब 17-18 साल पहले की बात है, कहता है अनुराग अगर मेरे यहाँ पर, मैं जानता हूँ जैसे प्राइवेटाइज बैंक के अंदर, HDFC बैंक के अंदर, ICICI बैंक के अंदर इस प्रकार से सिंगल विंडो ऑपरेशन होती है, अगर हमारे नेशनलाइज बैंक में मेरे वाले बैंक के अंदर ये हो जाए तो उसके बाद मैं जानता हूँ कि बैंक की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी और मेरा नाम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो कोई ऐसा तरीका है? कहता है मैंने एक साल पहले अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कहा, मैंने अपने सारे के सारे कुलीग को कहा कि वो हाँ करें तो शायद बात बन जाए, हम लोग हेड ऑफिस से बात करके हम लोग पैसे को हम लोग ले लेंगे और उसके बाद सिंगल विंडो ऑपरेशन करेंगे। लेकिन क्योंकि नेशनलाइज बैंक है, PSU बैंक है और क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक है, इस कारण से कोई भी चेंज होना नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि मैं चेंज करूं, बैंक को अंदर मेहनत करनी पड़े, सॉफ्टवेयर को सीखना पड़े। अनुराग कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं उनको कन्विंस करा सकूं? हम लोगों ने बैच खत्म होने के बाद, सेशन खत्म होने के बाद आधा पौना एक घंटे तक हम लोगों ने खानापूसी करी। उसके बाद वो था संडे, सैटरडे को उनके यहाँ पर शाम को आधे घंटे की मीटिंग जो होती है, उस मीटिंग के अंदर कैन यू बिलीव उस समय करीब 40 के करीब उसके कुलीग थे, वही कुलीग जो एक साल पहले उसको कह रहे थे कि सिंगल विंडो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, उस मीटिंग के आधे घंटे के बाद सारे के सारे उसके कुलीग एक ही बात कह रहे थे, सिंगल विंडो ऑपरेशन, सिंगल विंडो ऑपरेशन, सिंगल विंडो ऑपरेशन। वही सिंगल विंडो ऑपरेशन जिसको एक साल पहले उन लोगों ने मना किया था, उसके ऊपर वो सब के सब उसी वक्त से लग गए क्योंकि उनको लगा कि आइडिया हमारा है। और 1.5 महीने के बाद वो बैंक वाकई में सिंगल विंडो ऑपरेशन के लिए तैयार था, सारे के सारे सॉफ्टवेयर उन लोगों ने सीख लिए थे और बैंक की प्रोडक्टिविटी चल पड़ी इतनी ज़्यादा कि कोर्स खत्म होने के बाद सुरेंद्र ने मुझे 6 महीने के बाद फ़ोन किया कि अनुराग मेरा ख्याल था कि बैंक की प्रोडक्टिविटी करीब 15 से 20 से 25% बढ़ेगी, कैन यू बिलीव 45 से 50% बढ़ चुकी है, यहाँ पर डिपॉजिट जो हैं वो कहीं ज़्यादा आ रहे हैं हमारे बैंक के अंदर। लेकिन उस सैटरडे को उस आधे पौने घंटे के अंदर खेल क्या हुआ था? हुआ ये था,
कि सुंदर के तीन अपने कॉन्फिडेंट फ्रेंड थे, उसके कुलीग थे जो कि कॉन्फिडेंट थे, उसके विश्वास के लोग थे। इनके बीच में थोड़ी सी साठगांठ हुई, थोड़ी सी अंडर द टेबल हुई, और जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई उनका एक दोस्त जिसके साथ में उसकी अंदर द टेबल उसकी सेटिंग हुई थी, वो अचानक खड़ा हुआ। उसने कहा, सुरेंद्र जी आपको याद है एक साल पहले आपने कहा था वो सिंगल विंडो ऑपरेशन? कहते मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बड़ा है, और अगर हमारे बैंक में सिंगल विंडो ऑपरेशन स्टार्ट हो गया तो हमारी रनिंग अमाउंट कम होगी, हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, ऑपरेटिविटी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। बेहतर है कि हम लोगों को सिंगल विंडो ऑपरेशन का जो समय है वो आ चुका है, हमारे बैंक में होना चाहिए। सुरेंद्र ने कहा, नहीं यार वो मेरी गलती थी। इतने में उनका दूसरा जो दोस्त था वो खड़ा हो गया, नहीं जी नहीं, सिंगल विंडो ऑपरेशन होनी चाहिए। उनको देखकर तीसरा और जो दोस्त था वो भी खड़ा हो गया। अब तीनों को देख के बाकी सब के सब लोग खुसर पुसर करने लगे, और सबको लगा कि वाकई में इसमें फ़ायदा हमारा है कि अगर हम लोग सिंगल विंडो ऑपरेशन बाकी और प्राइवेटाइज बैंक की तरह कर लें अपने बैंक के अंदर। सब के सब, चौथा खड़ा हुआ, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, दसवां, पंद्रहवां, बीसवां, 40 के 40 कुलीग उसके सब के सब एक ही बात कह रहे थे आधे घंटे में, जी इसमें फ़ायदा तो है, सिंगल विंडो ऑपरेशन, सिंगल विंडो ऑपरेशन, सिंगल विंडो ऑपरेशन। सुरेंद्र कहता है, यार देखो वो मेरी गलती थी एक साल पहले, लेकिन अगर आप सब के सब लोग कहते हैं तो चलो मान लेता हूँ। और क्योंकि उन सब के सब लोगों को लगा इसमें हमारा फ़ायदा है, ये आइडिया हमारा है, सब के सब ने मेहनत कर करके ऊपर से अप्रूवल भी लिए, बैंक को सजाया, बैंक को चेंज किया, सारे के सारे सॉफ्टवेयर सीखे, और बैंक की प्रोडक्टिविटी कहीं ज़्यादा बढ़ गई। हुआ क्या था, सुरेंद्र ने वही आइडिया अपने दोस्तों के थ्रू से उन तक पहुँचाया, उन सबको लगा कि आइडिया हमारा है। लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज। आपने देखा होगा जितनी पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, कहीं पर भी कोई भाषण होता है, अगर 2 लाख लोग आते हैं तो उसमें से 25,000 ओरिजिनल होते हैं, बाकी के 2.5 लाख लोग आते नहीं हैं, वो आए हुए लोग नहीं होते, वो लाए हुए लोग होते हैं उनको चेंज करने के लिए। क्यों? ताकि आपको लगे ये ओपिनियन आपका है, और तब आपको लगता है वही पॉलिटिकल पार्टी सही है। आपने देखा होगा जितने भी लाफ्टर शोज होते हैं, जैसे कपिल शर्मा का शो है, अगर उसमें से वो जो कैंड लाफ्टर है उसको हटा दिया जाए, उसमें से वो जो सिद्धू हैं वो हटा दिया जाए, उसके पीछे जो 6-7 लड़कियां लगी होती हैं बैठी होती हैं, अगर वो हट जाए, अगर कैंड लाफ्टर हट जाए, तो आपको वो शो इतना भारा लगेगा कि आप 5 मिनट से ज़्यादा उसको देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से कैंड लाफ्टर को देख करके और सिद्धू से ज़बरदस्ती हंसी करवा करके उस शो को आगे बढ़ाया जाता है, आपकी ओपिनियन को चेंज किया जाता है। तो लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज। अपने खोपड़े को लगाओ, अपने डोम को लगाओ, कुछ ऐसा यूज करो जिससे कि दूसरे इंसान को लगे ये आइडिया मेरा है, ये आइडिया तुम्हारा नहीं, ये आइडिया मेरा है। जब इंसान को लगेगा कि आइडिया हमारा है, वो अपनी जान लगा के एंथुजियास्टिकली उसके ऊपर काम करेगा, एंड यू विल बी एबल टू कन्विंस पीपल टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ख्याल रखिएगा, इसमें ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे कि दूसरे का नुकसान हो। आपका फायदा, दूसरे का फायदा, बहुत अच्छी बात है। आपका फायदा, दूसरे का फायदा नहीं भी है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका फायदा, दूसरे का नुकसान, ऐसी कोई चीज़ हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये आइडिया भी पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में जाके जरूर लिखिएगा, मैं आपको इसी प्रकार से नए से नए से नए आइडिया देता रहूंगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आप अपनी कन्विंस पावर को और बढ़ाना चाहते हो तो एलन पीस की एक बुक है जिसका नाम है सवाल ही जवाब है। अगर आपने ये बुक अभी तक नहीं पढ़ी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको पढ़ लीजिए। और अगर आप पढ़ना नहीं चाहते और हमसे चाहते हैं कि उस बुक में क्या लिखा है वो हम आपको बता दें, तो प्लीज़ कमेंट करिए हमें, तो हम आपके लिए एक वीडियो बना के लेके आएंगे जिसमें बताया गया है कि सवाल ही जवाब में ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे हम नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही फास्ट अपनी टीम बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही मजबूत। तो अगर आप चाहते तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, तो हम आपके लिए वीडियो बना के लेके आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करिए, और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आया है। तो अगर आप हमारी और वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे हैंड स्क्रीन पर और वीडियो आ रहे हैं, तो उसको आप देख ले सकते हैं। ओके, टिल देन गुड बाय, विश यू वेल।